मित्रों नमस्कार, मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम नाड़ी ज्योतिष पर एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें इससे पहले 16 वीडियोस में नाड़ी ज्योतिष पर भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष पर बना चुका हूँ। आज उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे और आज हम सीखेंगे कि आप कुंडली देखकर कैसे किसी व्यक्ति की उम्र का पता लगा सकते हैं। आपके सामने कुंडली आई, आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, उसका बर्थ ऑफ ईयर नहीं है, लेकिन आप कुंडली देखकर ग्रहों को देखकर यह पता लगा लेंगे कि उस व्यक्ति की उम्र कितनी है। चलिए हम देर नहीं करते हुए सीधा अपने पार्ट पर आते हैं। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है मित्रों नाड़ी ज्योतिष पर, और ये वीडियो का भाग उस सीरीज का भाग है 17। इस चीज को समझने के लिए हमें कुंडली लेनी पड़ेगी, तो मैं एक एग्जांपल के तौर पर कुंडली लेता हूं और फिर हम समझेंगे कि ये जिसकी भी कुंडली है उस जातक की उम्र कितनी है। अगर कोई भी साउथ पैटर्न में या साउथ स्टाइल में अगर कोई कुंडली आपको आपके पास आती है तो आप उसे इसमें चेंज कर लीजिए। इसमें अगर आप देखेंगे उत्तर भारतीय स्टाइल कुंडली में देखेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। देखिए ये सिंह लग्न की कुंडली है, हमें किसी भी कुंडली में ज्यादा ग्रहों को नहीं देखना है, हमें सिर्फ देखना है उसमें शनि को और गुरु को। तो इस कुंडली में और बाकी प्लेनेट्स नहीं लिखते हुए मैं सिर्फ शनि और गुरु की प्लेसमेंट लिख देता हूं। इस कुंडली के अंदर शनि बैठा है कर्क राशि में और गुरु बैठा है वृषभ राशि में। जुपिटर इन टॉरस साइन एंड सैटर्न इन कैंसर साइन। अब हमें पता लगाना है What will be the age of this native? इस जातक की उम्र कितनी होगी? लेकिन ये एज पता लगाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस समय ट्रांजिशन में सैटर्न या गुरु कहां पे प्लेस है, वो कहां पर मूव कर रहे हैं। तो देखिए मैं यहां पे लिख दूं ट्रांजिशन। इस समय जो गोचर में सैटर्न और जुपिटर दोनों मकर राशि में है। Saturn and Jupiter both are transiting in Capricorn sign. बस हमें इसी चीज को देखना है। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि शनि को एक घर से दूसरे घर में आने के लिए 2.5 साल लगते हैं और जुपिटर को एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए 1 साल लगता है। Saturn completes its round in 30 years, but Jupiter completes its round in 12 years. हम इस चीज को अच्छी तरह से समझते हैं। बस इसी लॉजिक को हमें यहां पर लगाना है और हमें देखना है कि इस जातक की उम्र कितनी है। देखिए जब ये जातक पैदा हुआ था तब शनि कर्क राशि में था और गुरु वृषभ राशि में था, जुपिटर इन टॉरस साइन। हम इस चीज को देखेंगे क्योंकि जब ये जुपिटर पैदा हुआ है, जब ये नेटिव पैदा हुआ है तो उसके बाद प्लेनेट्स आगे को मूव करना शुरू करेंगे। अब शनि यहां पर है लेकिन हम जानते हैं कि गोचर में जो शनि है वो इस समय यहां पर कैप्रिकॉर्न साइन में है और जुपिटर भी इस समय कैप्रिकॉर्न साइन में है। चलिए वी स्टार्ट। हम देखते हैं कि शनि जब ये पैदा हुआ तो उसके बाद शनि ने कहां मूव करना शुरू किया। अभी शनि यहां पे है। अब उसके बाद शनि जब मूव करेगा 1 2 3 4 5 यहां उसके जो है 5 घर यहां पर मूव करेगा। 2.5 देखिए यहां पे आप देखिए 2.5 साल, 2.5 और 2.5 5, 7.5 10, 12.5 और फिर जब यहां पे आएगा तब वो लगभग 13 के आसपास की उम्र हो रही होगी। लेकिन अब हम यहां पे देखते हैं क्योंकि हमें शनि और गुरु दोनों को देखना है। हमने शनि को तो यहां पे चला दिया, यहां पे शनि हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, सैटर्न कर रहा है कि उसकी उम्र जो है 12.5 प्लस होनी चाहिए।
लेकिन जब आप गुरु को चलाते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। लेकिन जुपिटर हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसकी उम्र 9+ होनी चाहिए। ये कैसे हो गया? सैटर्न हमें कह रहा है कि 12.5+ और जुपिटर हमें कह रहा है 9+, जबकि उसकी उम्र अलग अलग तो नहीं हो सकती। इट मीन्स यानी कि सैटर्न जो है जब यहाँ पे पहुंचा था तो वो 12.5 रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन गुरु जब यहाँ पे आया तो वो 9 रिप्रेजेंट कर रहा था। इसका मतलब ये इस समय बच्चा नहीं है, ये बच्चे वाली उम्र ये पार कर चुका है, यानी कि सैटर्न अब एक राउंड आगे चलेगा। चलिए हम देखते हैं कि सैटर्न जब यहाँ पे पहुंचा तो दोनों ग्रहों की उम्र हमें मैच नहीं कर रही, तो हम सैटर्न को अब और आगे मूव करेंगे। सैटर्न देखिए इस समय सैटर्न यहाँ पे, बस हमें इसी घर को पकड़ के चलना है। सैटर्न और जुपिटर यहाँ पे है, इसलिए हमारा जो कंसंट्रेशन है वो कैप्रिकन साइन पे ही होगा। शनि जब यहां से चलेगा तो उसे वापस यहां तक आने में शनि विल टेक 30 इयर्स, 30 साल लगेंगे सैटर्न को एक राउंड क्लियर करने में। अब शनि यहां पे पहुंच गया है, जब तक की उम्र 30 साल हम कंसिडरेशन में ले लेते हैं, उसके बाद जब यहां से चलता है तो फिर 30+2.5, 32.5, 35, 37, 40, 42, और फिर जब यहाँ पे मूव करेगा तब हमें सैटर्न रिप्रेजेंट कर रहा है कि 42+ इसकी जातक की उम्र होनी चाहिए। अब हम जुपिटर को चेक करते हैं। जब जुपिटर यहाँ पे मूव करेगा, यहां से चलेगा वापस 12, 1 राउंड, फिर वापस यहाँ पे आएगा 24, ये सेकेंड राउंड, क्योंकि ये सैटर्न हमें 42+ कर चुका है, इसलिए हमें यहां तक पहुंचना है कि सैटर्न वहां तक पहुंच रहा है। फिर जब वापस थर्ड राउंड में मूव करेगा तो यहाँ पे जाता की उम्र हो चुकी होगी 36। अब हमारे पास गुरु यहाँ पे है, अब यहां से गिनना शुरू करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहाँ पे 8 साल हो गए, यहाँ पे 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44 यानी कि 44। अब हमें जुपिटर हमें कह रहा है कि इस जातक की जो उम्र है वो 43+ है। देखिए ये दोनों एज हमारी मैच हो रही है। यहां पर अगर सेक्टर को यहां से यहां मूव कर दे तो यहां पे आता है 42.5 से 45, यहां तक 43, और यहां पे हमें वो रिप्रेजेंट कर रहा है 44। जुपिटर को जब हम और आगे कर देते हैं तो इस समय जातक की एज कितनी है? इस समय जातक की एज है 44 इयर्स ओल्ड। तो इस तरह से आप सैटर्न और जुपिटर के ट्रांजिशन को समझते हुए किसी भी जातक की आप एज निकाल सकते हैं, आपको उसके लिए उसके डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं है। और अगर हम और गहराई में जाना चाहें तो हम सूर्य सन की प्लेसमेंट से हम इसका मंथ भी निकाल सकते हैं। हम जानते हैं 15 तारीख से, एक महीने की 15 तारीख से लेकर दूसरे महीने की 15-16 तारीख तक ही सूर्य का ट्रांजिशन होता है। इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि कौन से महीने में सूर्य कहां पे है। जैसे कि हम जानते हैं 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में होता है। इसी तरह से अगर आप लगाएं 15 मई से 15 जून सूर्य वृषभ राशि में होगा। मित्रों माफी चाहता हूं, थोड़ा मेरा गला सूख गया था तो इसलिए मुझे वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करना पड़ा पानी पीने के लिए। तो ये हमने एक एग्जांपल लिया था जिसमें हमने जातक की उम्र देखी थी कि कैसे निकलना चाहिए और क्या उसकी हम एज हम उसकी फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल और लेके देखते हैं और फिर हम उससे समझते हैं। एक और हम एग्जांपल ले रहे हैं ताकि अगर आपको इस एग्जांपल में कंसेप्ट क्लियर ना हुआ हो तो आपको अगले एग्जांपल में इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए।
देखिए जैसे मैंने आपको बताया शनि और गुरु के डबल गोचर से आप उसकी जो है एज निकाल सकते हैं, जो उसकी एज निकले जो इस समय करंट ईयर चल रहा है उसमें से वो एज माइनस कर दो तो उससे हमें उसका बर्थ ईयर पता लग जाता है। सूर्य की पोजीशन से हम उसका मंथ निकाल सकते हैं। अब रह गई डेट, डेट आपको कैसे निकालनी है, आप डेट चंद्रमा की पोजीशन या चंद्रमा किस तिथि में किस नक्षत्र में मूव कर रहा है ये देख के पता लगा सकते हैं। इस तरह से एक कुंडली से आप उस जातक की पूरी डेट ऑफ बर्थ आसानी से निकाल सकते हैं। एक चीज मैं और आपको बता दूं, जब भी सूर्य के सामने चंद्रमा होता है तो ये होती है पूर्णमासी, और जब भी सूर्य और मून एक साथ होते हैं तो इसे कहते हैं अमावस्या। जब सन से मून अगले घर में हो तो इसका मतलब है कि अमावस्या का अगला दिन यानी कि प्रतिपदा, और प्रतिपदा अमावस्या के बाद, यानी कि वो जिस जातक का जन्म है वो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हुआ है। अगर सूर्य और चंद्रमा एक साथ है यानी कि जातक का जन्म अमावस्या को हुआ है, और सूर्य और चंद्रमा अगर एक दूसरे के अपोजिट है बिल्कुल सम सप्तम योग में है तो इसका मतलब है जातक का जन्म पूर्णमासी को हुआ है। चलिए हम एक एग्जांपल फटाफट और लेते हैं ज्यादा देर नहीं करते हुए। मिथुन लग्न की कुंडली है और सैटर्न यहां पे बैठा है सिंह राशि में। जुपिटर यहां पे है कुंभ राशि में एक्वेरियस में। और अब हमें पता लगाना है कि इस जातक की जो एज है वो कितनी होगी। देखिए फिर से वही नियम हम देखेंगे, सैटर्न जब वो पैदा हुआ सैटर्न यहाँ पे था, लेकिन इस समय जो सैटर्न है वो यहाँ पर गोचर कर रहा है, सैटर्न और जुपिटर यहाँ पे ट्रांजिट में है। आप देखिए यहाँ से मूव कीजिए, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, और फिर जब यहाँ पे जाएंगे इस राशि में आएगा तो वो दिखाएगा 12.5। यानी कि इस समय जो जातक ही है, आप यहां से देखिए सैटर्न यहां पे बैठा, आप यहां से शुरू कीजिए क्योंकि यहां पे कुछ डिग्री में होगा। एग्जैक्ट एज निकालने के लिए हमें जो है कितने महीने कितने दिन का उसके लिए हम डिग्री को कंसिडरेशन में लेना चाहिए। एक दो तीन चार पांच जब यहां पे आता है तब हमें वो दिखाता है, एक दो तीन चार पांच, अब यहां पे हमें दिखा रहा है जी 5 × 10 लगभग 12.5। ठीक है, अब हम जुपिटर को मूव करना शुरू करेंगे, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस 11। और यहां पे हमें जब जुपिटर यहां पे हम पहुंचते हैं तो यहां पे हमें जुपिटर की एज दिखा रहा है 11। देखिए 12.5 और 11 एक दूसरे के काफी क्लोज है, इसका मतलब है इस जातक की, देखिए यहां पे पहुंचने पे वो 11 पार कर चुका है, जब इस उस घर में आएगा तो वो 12 हो जाएगा, यानी कि जातक की जो एज है वो है 12 इयर्स। और ज्यादा अगर आपको एक्यूरेट करनी है तो आपको डिग्री फाइंड करनी चाहिए। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एक साइन के अंदर एक घर में सेक्टर जो है 2.5 साल रहता है, एक घर में 30 डिग्री होती है यानी कि 2.5 साल आप लगाओ तो 30 मंथ्स, यानी कि एक डिग्री में सेक्टर 1 मंथ चलता है। इस तरह से आप और डिग्री लगाकर जुपिटर की आप डिग्री से लगाकर आप एग्जैक्ट उसका जो है दिन और महीने अच्छी तरह से पता लगा सकते हैं। मित्रों कैसी लगी आपको जानकारी बताना ना भूलिएगा, अगली बार फिर एक नई जानकारी के साथ। लेकिन जाते जाते मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगली बार फिर एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, जय माता दी।